वो चूंकि बीच में थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से डिस्टर्ब हो गया था। तो डॉक्टर इनफाल से हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो नया बच्चा है उसकी केयर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके अंदर सबसे पहले डॉक्टर इनफाल ने बताया कि टेम्परेचर, दूसरे पे बताया है इन्फेक्शन, और तीसरे पे डॉक्टर इनफाल ने बताया था फीड फीड। तो इसी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। तो ये डॉक्टर इनफाल, ओवर टू यू, आप प्लीज़ बताएँ। थैंक यू। सबसे पहला जो स्टेप है कि जैसे कि मैंने बताया कि टेम्परेचर कंट्रोल, आजकल जैसे कि सर्दी हैं, सारे लोग जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ रही हुई है, तो बच्चों के लिए सर्दी जो है ना, ये मुश्किल होती है। वो जल्दी, क्योंकि सेंसिटिव होते हैं, जल्दी बीमार हो जाते हैं, तो इससे बचाना बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे बचाया जा सकता है? सबसे पहले आप कपड़े, क्लोथिंग, कपड़े उसके प्रॉपर होने चाहिए, जिसमें कपड़े प्रॉपर का मतलब है कि एक टोपी भी हो, सॉक्स, जराबे भी हों, ग्लव्स भी पहने हों, प्रॉपर कंबल में लपेटा हुआ हो। बच्चे को आप लपेट के सुला दें तो लपेट के सुलाने में कोई इशू नहीं है। कुछ लोग लपेटते नहीं है कि कहते हैं कि बच्चा खुला रहे, हाथ पाँव आता रहता है। अगर आप लपेट भी रहेंगे उससे बेटर टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है, ठीक है, लपेटने में कोई इशू नहीं होता, ठीक ठीक हो गया। है नंबर ये। वन पे ये कि आपने अच्छे हाँ मोटे कपड़े पहना के, जी, टोपी वगैरह पहना के और बच्चे को लपेट के रखना है, जुराबे और दस्ताने लाजमी पहना है, ठीक है। ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के लिए इन्फेक्शन बहुत ज़रूरी है कंट्रोल करना। उसके लिए प्रॉपर ये है कि ज़्यादा लोग जो है ना, वो बच्चे को छुए ना, कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ पीपल जो है ना, वो टच करें। दूसरा कि प्रॉपर हैंड वॉश के बाद ही टच करें, ठीक है। तीसरा है कि हर कोई बच्चे को, जैसे हमारे यहाँ रिवाज है कि हर कोई बच्चे को चूमना चाहता है, तो जी हर जी कोई, डॉक्टर इनफाल, आपको हाँ पहले इस चीज़ का तो आइडिया, जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है तो सारे जी रिलेटिव आते हैं और हर एक की ख्वाहिश होती है कि सबसे पहले मैं इसको पकड़ूं, इसको गले लगाऊं, इसको चूमूं, और 100% उसमें चांसेस होते हैं इन्फेक्शन स्प्रेड करने के। तो वही आपने ना उससे बचाना है, कोशिश करने के मिनिमम लोग जो है ना, मिनिमम हैंडल्स हैंडल्स हों, क्योंकि आपने, आप जैसे कि चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, आपको पता है कि बहुत सारी डिजीज जो है ना, वो हमारे सांस से ही फैल जाती हैं, ठीक है, और किसिंग से भी फैलती हैं, तो उससे आप अवॉइड करें। तीसरा नंबर पे फीड, फीड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ लोग अंडर फीड करवा देते हैं, कुछ लोग ओवर फीड करवा देते हैं, कुछ लोगों को यही सारा साल कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सा फार्मूला मिल्क दें, मदर मिल्क अवेलेबल नहीं है या मदर मिल्क ठीक नहीं है। हमारे यहाँ एक और भी बड़ा कॉमन मिथ है कि मदर मिल्क जो है ना, वो ठीक नहीं है बच्चे के लिए ना। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मदर मिल्क जो है ना, सबसे सेफेस्ट, सबसे परफेक्ट डाइट है बच्चे के लिए। इसका कोई नेमल बदल नहीं, कोई नेमल बदल है ही नहीं, अच्छा कोई डॉक्टर, फार्मूला जो है ना, इसे रिप्लेस नहीं कर अच्छा सकता। डॉक्टर इरफान, यहाँ पे मेरे दो क्वेश्चन और अराइज होते हैं। एक तो ये है कि आपने कितनी देर बाद बच्चे को फीड स्टार्ट करना है, जी यानी जी जैसे ही वो बच्चा मैं अभी वो होता है बताता हूँ। जी। और दूसरा ये कि अगर फॉर एग्जांपल इस दौरान बच्चे को अगर को पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मोशन वगैरह लग गए, तो उस सूरत हाल में अक्सर लोग क्या करते हैं कि माँ का दूध छुड़वा देते जी हैं। जी मैं जी, सारी इसके बारे बातें में ये जी हाईलाइट करूंगा, जी इसके थैंक बारे यू, में बात थैंक यू। करूंगा, क्योंकि इसमें दो चीज़ों पे ही मैं मेन फोकस करना चाह रहा हूँ, एक टेम्परेचर कंट्रोल और दूसरा फीडिंग। फीडिंग इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहला तो मदर मिल्क डिस्कस कर लेते हैं। मदर मिल्क के ना एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। पहला सबसे कि बच्चे की ज़रूरत के मुताबिक होता है, शुरू के दिनों में कम आ रहा होता है। क्यों कम आ रहा होता है? क्योंकि ज़रूरत भी कम होती है, ठीक है, बाद में ज़्यादा आना शुरू हो जाता है क्योंकि ज़रूरत उसकी बढ़ जाती है। दूसरा, इन्फेक्शन फ्री है, ठीक है। आप फीडर लेते हैं, फीडर हर टाइम, हर फीड से पहले आप फीडर नहीं धो सकते, ठीक है। और कुछ लोग तो फीडर बना के रख लेते हैं, सारा दिन चलाते रहते हैं, या बनाते भी हैं, 2 या 3 दफ़ा मैक्सिमम बना लेते हैं, बाकी वही फीडर चलाते रहते हैं, ठीक है। निप्पल्स की प्रॉपर कवरिंग नहीं होती, निप्पल्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं, बच्चे में वायरसेस, जरासीम सारे चले जाते हैं, बच्चा बीमार हो जाता है बार बार। तो मदर मिल्क में इशू नहीं होता, इन्फेक्शन फ्री होता है। दूसरे, तीसरे नंबर पे टेम्परेचर वेल कंट्रोल होता है मदर मिल्क जो है ना। दूसरा, बनाएंगे आप फ्रिज में रखेंगे, कभी आप गर्म पानी डालेंगे, ज़्यादा गर्म डाल सकते हैं, कभी ठंडा डाल सकते हैं, उसका भी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है। टेम्परेचर कंट्रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों में, तो मदर मिल्क का टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल है। चौथे नंबर पे इसमें एंटीबॉडीज हैं, IgAs सबसे हैं, सबसे ठीक इंपॉर्टेंट है, बात, जो के बच्चे को इन्फेक्शन से बचाती है, प्रॉपर यानी इन्फेक्शन। यानी कि एक आम व्यूअर के लिए आसान जुबान में ये कि माँ का जो दूध है उसके अंदर कुदरती तौर पे ऐसी कुव्वत मुदाफियत है जो कि बच्चे के अंदर, जब बिल्कुल बच्चा उसको पिएगा तो उसके अंदर कुव्वत मुदाफियत ऑटोमेटिकली उसके अंदर वो आएगी,
यानी एंटीबॉडीज अगर उस जिसको मकसद हम बताएं तो, क्योंकि बच्चा जैसे ही न्यू बॉर्न एक बेबी एक किस दुनिया में आता है तो उसके अंदर इम्यूनिटी नहीं होती उस तरह से, जो जितने भी हमारे जो इन्वायरमेंटल जो वो है वायरस वगैरह है या वो वायरसेस वगैरह है, तो ये जो मदर फीड है ये उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट करती जी, है। जो आप कॉमन आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, बेशुमार रिसर्चेस अवेलेबल है कि जो बच्चे मदर फीड पे होते हैं ना, वो 90% जो है ना फॉर्मूला मिल्क या अदर मिल्क जो बच्चे ले रहे हैं उनके कंपेयर। पाकिस्तान जिंदाबाद एक बहुत ही लॉयल एक व्यूअर है, मुझे इनका एग्जैक्टली नाम तो नहीं पता लेकिन थैंक यू, अगर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। जी डॉक्टर इरफान, अच्छा हाँ, डिस्कस कर रहे थे मदर मिल्क की फायदे के बारे में, बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। एक जो हम डिस्कस कर रहे थे कि एंटीबॉडीज होते हैं इन्फेक्शन से बचाते हैं ये ना बच्चों को, बाकी और क्या चीज़ें हैं जैसे कि कॉमन कंप्लेंट्स होते हैं, एक तो बच्चे वोमिटिंग कर देते हैं, दूसरा बच्चे क्राई करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, जैसा कभी कभी मोशन भी लग जाते हैं। सबसे पहले वोमिटिंग, वोमिटिंग के से बचाने के लिए आप जब भी फीड कराएं ना बच्चे को, उसके बाद बर्बलिंग लाजमी करें। बर्बलिंग का मतलब है डिकार लाजमी दिलवाएं। डिकार का तरीका यह है कि फीड के बाद आप उसे सीने से लगाएं, ठीक है, सबकी देर 10 से 15 मिनट, ठीक है, और बच्चे को लेटाएं तो उसका सर थोड़ा सा ऊपर रखें, ठीक है, तो यानी इस यानी जब आप सीने से लगाएंगे सर उसको आपके कंधे के साथ है और इस तरह उसको जी जी इस खड़ा, पोजीशन में आप करेंगे ठीक और है। पीछे से थोड़ी थोड़ी तपकी देंगे तो वो डिकार ले लेगा, ठीक है, तो इससे जो उसका दोनों प्रॉब्लम है ना वो कम हो जाएंगे, वोमिटिंग भी कम हो जाएगी और जो कॉलिक वाला प्रॉब्लम है एक्सेसिव क्राइंग वो भी कम हो जाएगी। एक्सेसिव क्राइंग अगर कॉलिक बच्चों में ना पहले फर्स्ट 3 मंथ्स में नॉर्मल होती है, और मदर फीड वाले बच्चों में थोड़ी कॉलिक वैसे भी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, उसके लिए आप हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ड्रॉप्स अवेलेबल हैं, कॉलिक हैं, डाइजेस्ट हाँ हैं, ठीक है, वो आप दे सकते हैं रूटीन में, उनका कोई इतना साइड इफेक्ट भी नहीं है। डॉक्टर इरफान, कोलिक आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट, चलिए आज हम आपसे वक्त लिया तो हम उसका फायदा उठा लेते हैं। कोलिक के बारे में भी थोड़ा सा बता दें एक पेरेंट को, सिर्फ 3-4 जुमलों के अंदर के कोलिक क्या है, और ये बहुत ही कॉमन एक चीज है कोलिक बच्चों जो में। है ना, ये स्पास्मोटिक कंट्रैक्शंस होती हैं जो कि न्यू बॉर्न स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स में ज़्यादा होती हैं बच्चों को ना, मतलब ठीक है, यानी ये नॉर्मल सादा होती सुखान है, है, मतलब बच्चे के पेट में पेट दर्द में होना दर्द हो शुरू हो जाती जाएगा। है, उसकी वजह ये होती है गैस जमा हो जाती है, उसकी वजह ये होती है कि जब बच्चा फीड कर रहा होता है ना साथ हवा भी इनहेल कर रहा होता है, ठीक है, वो इसलिए गैस ज़्यादा जमा हो जाती है, डकार जाएगी ना तो वो हवा निकल जाएगी, उससे भी कोली कम हो जाएगी। दूसरा तरीका फिजियोलॉजिकल ये है कि आप उसके पेट की मालिश कर दें, पेट की मालिश का भी एक प्रॉपर तरीका कर रहा है कि आपने राउंड करनी है और सॉफ्ट सॉफ्ट करनी है, दिन में 3 से 4 दफ़ा करनी है, बंद कर देना, अब बाद में बात कर लेते। सॉरी कॉल आ रही, कोई बात नहीं, अच्छा ठीक हो गया। गया तीसरा तरीका है कि आप पोजीशन उसकी बनाएं, नीचे पोजीशन टांग उसके साथ जोड़ दें, उससे भी कम हो जाती है, ठीक है, चौथा है कि मेडिसिन है हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल है, ठीक हो गया, वो किसी पता भी यानी इमरजेंसी की है। सूरत में या कोई ऐसी डिजीज है उसके उसके बारे में आप डॉक्टर को दिखा दें। आखिर में दो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं डॉक्टर अनफाल, क्या बच्चे को गुट्टी देनी चाहिए? नहीं, गुट्टी का कोई देने की जरूरत नहीं है, ये बात जानते हुए कि हमारे शहर जो है ना वो वैसे ही जो है ना फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में ही देना चाहिए, बोटुलिज्म करवाने करवा देता है वो, मतलब आपके ख्याल में हनी नहीं देना हाँ, चाहिए? और वैसे ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, मैं इस पर डिस्कस भी नहीं करना नहीं, चाहता, क्योंकि इन द लाइट ऑफ हाँ, आप मेडिकल आपने हाँ, बताना है, मेडिकल 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 में जो है ना गुट्टी का कोई कंसेप्ट है नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ओके थैंक यू डॉक्टर अनफाल, आपने हमें टाइम दिया और आई होप के जो हमारे देखने वाले हैं उन लोगों को इस चीज़ से कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। तो डॉक्टर अनफाल और डॉक्टर डॉक्टर अहमद ज़ीशान और डॉक्टर अनफाल को इजाज़त दीजिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी आप कमेंट सेक्शन में पूछ जी, सकते हैं। इंशाल्लाह हम दोबारा भी इस पे कॉलिक पे डिटेल से डिस्कस करेंगे जी डॉक्टर निशान अनफाल, वो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाँ जी बींग माई जब मतलब यानी इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तो अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा और डॉक्टर अहमद ईशान को इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब की कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आप चाहते हैं कि आने वाले वीडियोस भी आप तक पहुँचे रहें, तो हमें इजाज़त दीजिए, अपना अपने पैरों का ख्याल रखें।